दोस्तों इसका जो 2 वीक कंप्लीट हुआ है, तो अभी तो कंफर्म नहीं हो सकते दोस्तों कि प्रेग्नेंट हुई है नहीं हुई है। और दोस्तों दोनों बॉडीगार्ड हमारे साथ चल रहे हैं, आप देखें तो लगभग 1 महीने के अंदर ही हमारे पास बच्चा आने वाला है दोस्तों, छोटा छोटा बेबी आएगा। माँ को छोड़ के मेरे पीछे आ जाता है दोस्तों, ये बच्चा जाता ही नहीं है। और दोस्तों जो लाली के पैर में यहाँ पे जख्म हो रखा था, ये देखें जो आपको दिख रहा है, तो इस पे अभी देखें हिमालय कंपनी का दोस्तों स्प्रे लाया, चेक करें दोस्तों ये कहाँ चहक के बैठा हुआ है। और दोस्तों ये जो मेरी चिंकी है, इसका 2 वीक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, प्रेग्नेंट का 2 वीक इसका कंप्लीट हो चुका है क्रॉस करवाए हुए। और जो चिंकी वो लाली है उसका लगभग, और वो दोनों तो भाई एकदम परेशान करके रखा है दोस्तों। भाई वो कालू के साथ, वो फीमेल है ना, कालू तो कुछ नहीं करता, लेकिन जो फीमेल है वो थोड़ा एक ऐसी टाइप पे है, चिल्लाने लगती है, भें भें करने लगती है। देखो वो जो आपको दिख रहा है, कालू तो कुछ नहीं करता है, उसी में महिलाओं को आप छोड़ भी नहीं सकते, सिक्कड़ में बांध के रखना पड़ता है। दोस्तों इसका जो 2 वीक कंप्लीट हुआ है, तो अभी तो कंफर्म नहीं हो सकते दोस्तों कि ये प्रेग्नेंट हुई है नहीं हुई है, क्योंकि 2 वीक में कभी नहीं पता चल सकता है, कम से कम 30 दिन या 35 दिन लगता है। 3-4 वीक जब हो जाएगा तब फीमेल शो करती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। 2 वीक में कुछ भी नहीं पता चल सकता है दोस्तों कि ये प्रेग्नेंट है, इसका नॉर्मल बिहेव है। और क्या कहा जाता है, वाइट डिस्चार्ज इसने किया था दोस्तों, लगभग 9 या 10वें दिन इसका वाइट डिस्चार्ज आ रहा था, 1-2 दिन तक आया था, उसके बाद फिर नहीं आ रहा था। तो अगर ये प्रेग्नेंट होगी तो हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे, तो इसलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं दोस्तों, मुर्गी बकरी मछली डॉग ये सब से रिलेटेड पास कोई भी जानवर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वीडियो मिलता रहेगा जानकारी। डॉग फ्रेश हो रहा है दोस्तों, तो ये जो लाली है ये लगभग 25 सितंबर को दोस्तों ये हीट में आई थी, और आज 1 अक्टूबर है दोस्तों, मान के जो 5 दिन हो चुका है दोस्तों हीट में आए हुए, तो अभी 5-6 दिन बाद इसको क्रॉस करवाना है, इसका मीटिंग करवाना है। और इसका दोस्तों सेकंड ए होगा क्रॉस करवाना, मतलब फर्स्ट मीटिंग हमने मिस करवाया था जो 12 या 13 मंथ में आता है, और फिर ये सेकेंड हीट में आई 18 मंथ में, तो 18 या 19 मंथ लग गया दोस्तों, पता नहीं हमने उतना काउंट नहीं किया है, तो इस बार इसका मीटिंग करवाना है दोस्तों। और बाकी चिंगी का भी 2 वीक कंप्लीट हो चुका है, अभी तो कंफर्म पता नहीं चल रहा कि ये प्रेग्नेंट है नहीं है। और इनका आज खाना भी नहीं बन पाया दोस्तों, क्योंकि बिजली नहीं है, सुबह से बारिश हो रहा है तो बिजली कटा हुआ है, इसके वजह से खाना नहीं बना है। बाकी अगर 1-2 घंटे में दे देगा, बिजली आ जाएगा, तो फिर खाना बना के इनको भी दे देंगे। और दोस्तों अभी घर से आ गए हैं नाश्ता उस्ता करके, थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों घर पे, क्योंकि बारिश हुआ था, तो हम सोचे कि धूप उग जाएगा, फिर बकरी को लेके चलेंगे चराई। और डॉग का भी हम रोटी लेके आ गए थे दोस्तों, चपाती, तो 5-5 चपाती दोनों को दे दिए हैं, उन लोग खाना खा लिया है, बाकी थोड़ी देर में उनका बना देंगे चावल ये सभी। अभी दोस्तों बकरी को खोलना है, और टाइम की बात करें तो 11:30 हो रहा है दोस्तों। वो देखें एक बार चेक करें दोस्तों, ये कहाँ चहक के बैठा हुआ है, इसको देखें, कह रहे ओए ओए। तो अभी इनको निकालते हैं, क्योंकि फार्म भी पूरा गंदा हो चुका है, और मतलब सफाई हो नहीं पाई है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा था, तो कहाँ खोलते दोस्तों बकरी, और मेरी बकरी सब चराई पे ही रहती है। अभी धूप उग चुका है और बारिश भी रुके, 2-3 घंटा हो चुका है, अभी इनको निकालते हैं, और आज चंगू मंगू को भी लेके चलेंगे दोस्तों चराई पे साथ में। आप देखिएगा हम बकरी के जो छोटे बच्चे रहते हैं वो कैसे चराई पे सीखते हैं चरने के लिए। तो अभी सारी बकरी को निकाल दिए हैं बाहर चराई पे, देखते हैं आज किस साइड जाती है दोस्तों, उस साइड जाती है चरने के लिए या फिर इस साइड जाती है, अभी देखें। और चंगू मंगू को अभी नहीं ले गए दोस्तों, ये भी जाने के लिए तैयार है। इनको पहले दूध पिला देते हैं, जो गाय का दूध लाए हैं, तो पहले इनको थोड़ा थोड़ा पिला देते हैं ताकि इनका पेट थोड़ा बहुत भर जाए। और दोस्तों अभी दूध पीने के लिए दोनों बच्चों में भसड़ मचा हुआ है कि हम पिएंगे पहले, हम पिएंगे। भाई वो पीने नहीं देते, ये जो है ये सबसे बड़ा बच्चा है दोस्तों, उससे वो छोटा है, पहले बड़ा भाई पीता है फिर छोटे भाई को पीने देता है, पहले इसका पेट भर जाए फिर उसको पीने देता है दोस्तों। और बेचारा आशा में है कब मिलेगा दूध, देखेंगे वो कैसे कर रहा है। तो इनको आज चराई पे भी लेके जाना है दोस्तों बकरी के साथ में, तो तब तक फार्म भी साफ कर लेंगे और उसके बाद फिर इनको लेके चलेंगे दोस्तों, इसलिए हम पहले गाय का दूध थोड़ा थोड़ा पिला देते हैं, ज्यादा नहीं पिलाएंगे दोस्तों, थोड़ा नहीं तो पेट भर जाएगा, तो फिर लोग चराई करेगा नहीं, चराई करना सीखेगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा दूध पिलाएंगे दोनों बच्चों को। और दोस्तों चंगू मऊ को ज्यादा दूध नहीं पिलाएं, देख सकते इतना हमने रहने दिया है दोस्तों, क्योंकि इनका अगर पेट भर जाएगा तो फिर ये चराई करेंगे नहीं माँ के साथ, और माँ के साथ भी जब चरने जब जाएंगे तो ये लटक लटक के दूध पी लेते हैं दोस्तों, तो उधर भी पेट भर जाएगा, इसलिए अभी इनको यहीं पर रहने देते हैं। देखें कैसे कर रहा है दोस्तों, ये बदमाश एकदम भाग साला। दोस्तों ये मुर्गी को हमने दाना डाल दिया है, और जब तक मुर्गी इधर दाना खाती है तब तक उस साइड वाला दोस्तों फार्म साफ कर लेते हैं, लेकिन देख सकते हैं। और चूना मेरे पास नहीं है दोस्तों, चूना रहता तो थोड़ा अच्छा रहता, इस पे जो गीला गीला है इस पे थोड़ा सा बर बीमारी कम ही आता, लेकिन अभी नहीं है, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, मार्केट में भी नहीं जा रहे हैं, मार्केट जाएंगे तो चूना लेते आएंगे दोस्तों। देख सकते हैं जो गीला एरिया है, ज्यादा गीला नहीं है दोस्तों, पहले झाड़ू मार के आपको हमको दिखलाते हैं साफ करके। और दोस्तों जो लाली के पैर में यहाँ पे जख्म हो रखा था, ये देखें जो आपको दिख रहा है, तो इस पे अभी देखें हिमालय कंपनी का दोस्तों स्प्रे लाए थे मारने के लिए, बस इसको ऐसा सेक करना है, ये देखें
भागने लगता है दोस्तों, थोड़ा सा जलन जलाता है, फिर क्या करता है छल के देखिए, अभी उधर जाके बैठ गया है, इसके पैर पे ही मार देते हैं दोस्तों और फिर काम खत्म होगा, बकरी साइड जाना है दोस्तों जल्दी। दोस्तों अभी लाली के पैर में जख्म पे जो स्प्रे था अभी लगा दिए हैं, और बहुत सारे कंपनी का आता है दोस्तों, ये हिमालय का है, पेटकेयर का आता है, और भी दोस्तों 3-4 कंपनी का आता है, आप कोई भी ले सकते हैं, आपके पैर में अगर डॉग को इन्फेक्शन है सब हो रखा है पैर में जख्म टाइप पे, तो उस पे मार सकते हैं और अच्छा रिजल्ट है दोस्तों, जल्दी इसका हील हो रहा है, पहले से अच्छा है, ठीक हो रहा है। अब चलते दोस्तों बकरी साइड, बकरी क्योंकि चराई करने गई है, और दोस्तों दोनों बॉडीगार्ड हमारे साथ चल रहे हैं, आप देखें दोनों बच्चे हमारे साथ चल रहे हैं दोस्तों, इधर बकरी का झुंड है अपना, और दोनों का माँ आ रही है, एक का तो माँ आ गई है वाइट वाली, और एक और उधर है, अभी देखें मेरे पीछे, अब भाई झुंड में चला गया देख, और एक और जो बच्चा था दोस्तों वो भी देखे अपने माँ के पास चला गया, और इसी तरीके से दोस्तों जो बच्चा है वो माँ के साथ चरना सीख जाती है, धीरे धीरे माँ के साथ रहेगी और धीरे धीरे घास टूंगेगी और फिर चरना स्टार्ट कर देगी और फिर झुंड में जाना स्टार्ट कर देगी। सबसे खच्चड़े है दोस्तों, हम अगर पीछे पीछे इधर जाएंगे तो माँ को छोड़ के और मेरे पीछे आ जाएगी। ओए 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 मार दिया, वो देखे आ गया ना, वो साला वो जान रहा है, वो मेरे पीछे पीछे जिधर हम जाएंगे वो देखे माँ को छोड़ के मेरे पीछे आ जाता है दोस्तों, ये बच्चा जाता ही नहीं है। दोस्तों अभी दोनों बच्चों को वहाँ पे देखे छोड़ दिए हैं और वो माँ के पास अभी छोड़ के और जस्ट दौड़ के भागे दोस्तों, अब वो मेरे पीछे नहीं आए, नहीं तो मेरे पीछे आ जाते हैं भाई, वो माँ के पास चराते नहीं, अभी देखे दोनों चले गए हैं उधर, माँ के साथ वहाँ चरेंगे अभी और पीछे पीछे हम रहेंगे दोस्तों थोड़ा दूरी बनाकर। दोस्तों अभी सारी बकरी इधर ही चर रही है, बच्चे बाकी हमारा उधर चला गया, अभी दोस्तों डॉग को लेके चल रहे हैं फार्म पे, और बकरी फार्म के सामने रहेगी तो डॉग का खाना बना देंगे ताकि टाइम का बचत हो जाएगा और एक ही टाइम में दोनों काम हो जाएगा, बकरी को भी देख लेंगे और डॉग का खाना बना देंगे। और दोस्तों देखे दोनों हमारे चंगू मंगू है, देखे वहाँ पे दोनों बच्चे अभी चर रहे हैं, तो अभी सारी बकरियां हमारे देख सकते हैं इस साइड आ गई है, इस साइड पहले चराई कर रही थी दोस्तों, इधर से इधर आ गई है, हम तब तक डॉग का खाना बना रहे थे तब तक इधर आ गई, और इधर दिक्कत दोस्तों ये है कि जंगली जानवर निकल जाता है इधर से झाड़ में से और बच्चों को उठा के लेके चला जाता है, इधर से हाके कर देते हैं फार्म साइड दोस्तों। और आज दोस्तों जो भी 11 बजे से बकरी को हम खोले हैं तो इनको सबको अंदर करेंगे दोस्तों, कम से कम शाम में 5-6 बजे दिन भर ही चरेंगे दोस्तों, दिन भर आज इनको चराना है क्योंकि लेट से खोले, ताकि इनका मन नहीं भरता तब तक इनको आज चराई पे रखना है, देखते हैं कितना देर तक इन लोग चरती है। लेके चलते हैं दोस्तों फार्म पे क्योंकि इसको खाना देना है, बकरियां यहीं पे सामने है, बच्चे चिल्ला रहे हैं दोस्तों हमको देख के। अभी डॉग का खाना बना लिया है, बाकी चिंकी इधर बैठी हुई है, और इसमें आज डाले हैं दोस्तों दही भी लाए हैं और चावल है, बाकी थोड़ा बहुत 2-3 सब्जी है, और ऊपर से एक क्योंकि 2 वीक प्रेग्नेंट हो चुके हैं दोस्तों, 15 दिन बाद इसका अंडा स्टार्ट कर देते हैं हम, 10-12 दिन तक अंडा नहीं देते हैं, लेकिन आज से इसका अंडा स्टार्ट है, एक सुबह और एक शाम में, और ये देसी अंडा है दोस्तों, ये नॉर्मल अंडा आप नहीं समझना, जो देसी मुर्गी वाला अंडा आता है वो ये है, और ये बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल अंडा से ज़्यादा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, अंडा लाली के लिए और एक अंडा चिंकी के लिए, अभी इसको फेंट के और डॉग को दे देते हैं दोस्तों। ये दो मेरी देसी मुर्गी देख सकते हैं, सब फ्री रेंज में चर रही है दोस्तों, इनको भी 2-3 घंटा से खोले हुए हैं, सुबह में हमने दाना दिया था, लगभग 2 बजे से इनको बाहर निकाल दिया है चराई पे, ताकि थोड़ा बहुत दाना का बचत हो जाए, और बाकी बकरी हमारी सामने उधर ग्राउंड साइड चर रही है। तो अभी चंगू मंगू को लेके आ गए हैं चराई पर से, इन लोग माँ के साथ चर रही थी दोस्तों, लेकिन थोड़ा बहुत घास से टूंगना स्टार्ट की है, तो 2-3 घंटा हो गया था दोस्तों, और ये हाफ रहे थे बच्चे, बैठ जा रहे थे जहाँ के तहाँ, इसलिए हमने सोचा इनको फार्म पे ले आ जाते हैं, तो इनको अभी फार्म पे लाके रख दिया, और इनका दूध थोड़ा सा बचे हुए दोस्तों, तो इनको लाके अभी पिला देते हैं दोस्तों। अभी देख सकते हैं दोनों बच्चों का भी दूध पिला दिए हैं, और इनको अभी थोड़ा सा गुल्लर का पत्ता लाके दे देते हैं दोस्तों, ताकि यहाँ पे थोड़ा बहुत ये खाते रहेंगे। अभी दोनों बच्चों को गुल्लर का पत्ता दे दिए हैं, देख सकते हैं दोनों बच्चों खाएंगे, अभी डॉग को लेके चलना है दोस्तों नदी साइड, उन लोग भी खाना खा लिया होगा, तब तक चलते इनको छोड़ देते हैं। तो अभी उधर एक कुत्ता आया हुआ है, स्ट्रीट डॉग है, उस पर एग्रेसिव हो रही है भाई, करेगी कुछ नहीं, देखो उसी को देख रही है, एकदम पूछ खड़ा कर लिया हुआ, ए देखे भाई, और चूचा शांत है बेचारा, चला। बाकी बकरी इधर रह रहे आ गई है दोस्तों, इनको लेने आए थे अभी, इनको खाना उना खिला के, तो बहुत ही जल्द हमारे पास 3-4 बकरी बच्चा देने वाली है, 3 बकरी है दोस्तों, एक पाठी है पहली बार बच्चा देगी, हमारे ही फार्म पे वो तैयार हुई है, और 2 बकरी और है, तो लगभग 1 महीने के अंदर ही हमारे पास बच्चा आने वाला है दोस्तों, छोटा छोटा बेबी आएगा, तो मेरे ब्रीडर से क्रॉस हुई है दोस्तों, तीनों बकरी जो है वो मेरे ब्रीडर से ही क्रॉस हुई है। तो अभी सारी बकरी को इधर से हाक के इस साइड कर दिए हैं, और हम लोग चलेंगे ग्राउंड साइड, बैठेंगे उधर ही आधा 1 घंटा डॉग को लेकर।